स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं यूपीएससी से संबंधित जानकारी को लेकर। चाहे सब्जेक्ट्स हों, चाहे क्वेश्चन पेपर्स हों, चाहे एग्जाम्स की डिटेल हों, या कोई भी जानकारी जो आपको यूपीएससी से रिलेटेड चाहिए या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी, वो सब आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं। और अगर आपको और भी जाननी है तो प्लीज़ आप नीचे कॉमेंट एरिया में लिख दीजिएगा, ताकि हमारे पास वो क्वेरी आ जाए और हम अगली जानकारी उससे रिलेटेड भी दे सकें। ऐसे ही आज जो सक्सेस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो भी आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको प्रेरित करेगी कि आपको भी किसी भी तरीके का अगर कोई एग्ज़ाम देना है और अगर यूपीएससी क्रॉस करना है तो आप कैसे उसमें सफल हो सकते हैं। और यकीन मानिए, आप ज़रूर सफल होंगे। आज की जो कहानी है वो है शशांक मिश्रा जी की, जो कि एक आईएएस हैं। वो कहते हैं ना, अगर इरादे हों अटल तो सफलता कदम चूमती है। न भरपेट भोजन था उनके पास, न सर पर पिता का हाथ था, फिर भी उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर लिया। जहां लाख सुख सुविधाओं के बावजूद भी आईएएस के एग्जाम को पास करना अत्यंत दुर्लभ माना जाता है, वहीं पर यूपी के शशांक मिश्रा उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने सिर्फ बिस्किट खाकर और ट्रेन में पढ़ाई कर अपनी यूपीएससी के एग्जाम्स को न केवल पास किया बल्कि ऑल इंडिया रैंक 5 भी हासिल की। जी हाँ दोस्तों, शशांक मिश्रा जी। शशांक के परिवार में उनके अलावा 3 भाई और 1 बहन है और माता पिता भी हैं। सब कुछ सामान्य तरीके से चल ही रहा था कि अचानक शशांक के पिताजी की असमय मृत्यु हो गई। वो 12वीं कक्षा में थे। शशांक के पिता कृषि विभाग में डिप्टी कमिश्नर के पद पर आसीन थे। पिता के देहांत के बाद पढ़ाई किनारे पर ही रह गई थी जैसे, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। शशांक ने इतनी छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने आप को दबा लिया था, लेकिन फिर भी उनके पास इन जिम्मेदारियों को ओढ़ने के अलावा कोई विकल्प ना हो ऐसा नहीं था, क्योंकि उनकी दृढ़ इच्छा थी जो वो करना चाहते थे उसके लिए। इन सब जिम्मेदारियों के होते हुए, उनको निभाते हुए भी वे चाहते थे कि वो आईआईटी की परीक्षा दें। पिता के जाने के बाद भी उन्होंने अपने सपने को ठंडा नहीं होने दिया था और आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में 137 रैंक हासिल की थी। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करने के बाद शशांक को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई थी। जिंदगी थोड़ा सा तो ढरे पर आ गई थी ऐसा उन्हें लगने लगा था। शशांक ने आईआईटी पास करके नौकरी तो कर ली थी, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवा में जाने का ख्वाब छिपा था। नौकरी में उनका दिल नहीं लग रहा था। एक बार फिर से उन्होंने अपने जीवन में मुश्किलों का हाथ थामते हुए 2004 में नौकरी को छोड़ दिया और सिविल सेवा की तैयारी करने में जुट गए। हालांकि ये बहुत आसान नहीं था, क्योंकि फैसला भी बहुत मुश्किल था। इतनी अच्छी लगी लगाई नौकरी को छोड़ देना, उसके बाद प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना और ये भी पता न होना कि वो पहली बार में सफल हो पाएंगे या नहीं, या वो सफल हो पाएंगे या नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला बुलंद रखा। पैसे की कमी हालांकि फिर से होने लगी और इस समस्या का हल निकालते हुए उन्होंने दिल्ली में ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया। वहां से होने वाली आमदनी पूरी नहीं पड़ती थी, क्योंकि दिल्ली जैसे बड़े शहर में यूं ही रहना और खाना खाना बहुत मुश्किल था। इन स्थितियों पर विचार करते हुए शशांक ने मेरठ में एक रूम लेकर रहना शुरू कर दिया और दिल्ली से अप डाउन करने लग गए। शशांक की सफलता की राह में न जाने कितने रोड़े आए, लेकिन वह ऐसे जिद्दी इंसान थे कि हर मुश्किल के सामने डट कर खड़े रहे, मानो वे ये कह रहे हों, आओ देखें किसमें कितना है दम। पैसे बचाने के लिए मेरठ में एक कमरा तो उन्होंने ले लिया था, पर रोज सफर करने में जो उनका खर्चा होता था वो कम नहीं कर पा रहे थे और न जाने कितना समय भी उसमें चला ही जाता था। तो शशांक ने उसका भी हल निकाल लिया और मेरठ से दिल्ली आने तक के सफर को स्टडी टाइम में कन्वर्ट कर लिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ट्रेन के सफर को अपने स्टडी टाइम में कन्वर्ट कर लिया। वो इस पूरे समय का सदुपयोग ट्रेन में बैठकर पढ़ाई करने में करते थे।
इस प्रकार ट्रेवलिंग में समय बर्बाद ना करते हुए वो यूटिलाइज होने लगा। लेकिन उनकी मुसीबतें यहाँ भी कम नहीं हो रही थी, क्योंकि सोच समझकर खर्च करने के बावजूद भी कई बार उनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं बचते थे। पर ऐसे में इन परेशानियों को उन्होंने नकार दिया था, वे उन पर ध्यान केंद्रित नहीं करते थे। बजाय इनके उनकी जो नज़र थी वो सीधे लक्ष्य पर थी, जैसे कि अर्जुन की निगाह थी मछली की आंख पर। बिस्किट खाकर वो अपना काम चलाने लगे। शशांक ने अपनी भूख को भी बीच में नहीं आने दिया और आखिरकार उनकी मेहनत रंग ले आई थी। यूपीएससी की परीक्षा के कठिनाई स्तर को शशांक भली प्रकार से समझते थे। उन्होंने पहले 2 साल जम कर पढ़ाई करी थी और उसके बाद उन्होंने पेपर दिए थे। पहले ही प्रयास में उनका चयन अलाइड सर्विसेज में हो गया था, लेकिन इससे उनका दिल नहीं भरा था। उन्होंने दोबारा कोशिश की और अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2007 की परीक्षा में 5वां स्थान हासिल किया। शशांक की सालों की मेहनत का फल आखिरकार उन्हें मिल गया था। तो दोस्तों, शशांक इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि जीवन में सफल वे नहीं होते जिनके रास्ते में बाधाएं नहीं आती, बल्कि वे भी होते हैं जो कितनी ही बाधाओं के बावजूद अपना रास्ता नहीं बदलते। वर्तमान में शशांक मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कलेक्टर पद पर कार्यरत है। तो दोस्तों, अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आप ठान लें तो आप भी हर परीक्षा को पास कर सकते हैं, अपना लक्ष्य जरूर पा सकते हैं। तो तैयारी करने में जुट जाइए, क्योंकि नामुमकिन नहीं है आपके लिए भी, आप जरूर कर सकते हैं, बस अपने हौसले बुलंद रखिए। तो चलती हूँ मैं, फिर मिलूंगी आपसे यहीं प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। लेकिन तब तक प्लीज़ ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हम अपडेटेड रहें। और हाँ दोस्तों, एक और बात, प्रभात एग्जाम ने एक और चैनल खोला है जिसका नाम है मिशन JPSC, जो कि झारखंड से संबंधित परीक्षाओं से रिलेटेड है। तो अगर आपको कुछ भी JPSC से रिलेटेड करना है या जानना है तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से भी आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ यहीं पर, फिर मिलूंगी मैं आपसे एक और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।